अमेरिका में घुसपैठ कर सकते हैं हमास के लड़ाके, ये बहुत बड़ी खबर। पीएलजे और हिजबुल्ला के घुसपैठ की आशंका नजर आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ये बड़ी चेतावनी, बड़ा अलर्ट सामने आया। मैक्सिको सीमा से अमेरिका में घुसपैठ कर सकता है हमास, और मैक्सिको अमेरिकी दक्षिणी सीमा से घुसपैठ की चेतावनी भी दी गई है। एक और बड़ी खबर आ गई, अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंच गए हैं। 1,000 टन अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंच चुके हैं। 45वें कार्गो प्लेन से ये तमाम हथियारों का जखीरा इजराइल पहुंच गया है। मतलब गाजा पट्टी को शमशान बनाने में कोई कोर कसर इजराइल नहीं छोड़ना चाहता, और उसमें पूरा साथ, पूरा समर्थन हर तरीके से अमेरिका देता हुआ नजर आया। और देखिए, जंग में इसराइल की मदद में कैसे जुटा हुआ है अमेरिका, यह सबसे बड़ा सवाल है। कुछ और डिटेल्स आ रही है, वो जल्दी से बिग बॉल के जरिए आपको बता दें। जंग में इसराइल की मदद में जुटा हुआ है पूरी तरह से अमेरिका। क्या कुछ मदद पहुंचा रहा है, कैसे मदद कर रहा है, वो डिटेल्स आपके सामने। इसराइल को 1,000 टन गोला बारूद भेजा जाएगा, यह फैसला किया है जो बाइडेन के दौरे के बाद। भूमध्य सागर में भी अमेरिकी नेवी के 10 बड़े जंगी बेड़े पहले से तैनात हो गए हैं। इजराइल की सेना को आर्म्ड व्हीकल भी अमेरिका ने देने का फैसला कर लिया है। मतलब पूरी तरह से साथ और समर्थन। 2 आयरन डोम सिस्टम भी इजराइल में तैनात होंगे। हालांकि आयरन डोम सिस्टम पहले से है, लेकिन 2 और सिस्टम भेजने की ऐलान किया गया है। यूएस आर्मी के 1,500 रिजर्व सैनिक भी इजराइल भेजे जाएंगे। जो बाइडेन ने यह भी फैसला और यह भी मदद का ऐलान किया है। मतलब कहीं से भी यूक्रेन के साथ साथ वो इजराइल के साथ भी इस जंग में खड़ा है, और यह मदद एक बड़ी मदद साबित हो सकती है। शरदेंदु सर, कैसे देखते हैं आप इस मदद को? दुनिया भर के बड़े यूरोपियन और पश्चिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां अपना समर्थन करने के लिए पहुंच तो रहे, लेकिन जिस तरह का साथ और समर्थन अमेरिका दे रहा है, उससे क्या जाहिर होता है? अमेरिका का संदेश बिल्कुल क्लियर है, उसने इस तरीके की सैन्य मदद की है इसराइल की, और हमेशा से इसराइल के साथ खड़ा रहा है। लेकिन ऐसे समय में देखिए, इसराइल एज इट इज हमास के ऊपर पूरी तरीके से काबिज होता दिख रहा है। इस तरीके की सैन्य मदद दिखाता है कि बाकी जो वॉरिंग फैक्शन है वो इस युद्ध से दूर रहे। इसमें मेन मुद्दा हिजबुल्ला का है, इसमें मेन मुद्दा हुतेज का है, और ये इंश्योर करना है कि इसराइल और इस तरीके की ताकतें इस युद्ध से दूर रहें। लिहाजा अगर आप प्रेजेंस ऑफ फोर्स दिखाते हैं इस क्वांटम में, तो वो दिखाता है कि बाकी फोर्सेस जो फेंस सिटर हैं वो इस लड़ाई से दूर रहे। इसका उन्होंने टाइम टू टाइम जो बाइडेन साहब ने बार बार अपने वक्तव्यों में इसका इशारा किया है, और इस तरीके की सैन्य मदद दिखाता है कि किसी भी तरीके का टेररिज्म, स्पेशली हमास और हिजबुल्ला का, अगर इसराइल की तरफ आता है तो उसका सक्षम जवाब देने के लिए इसराइली फोर्सेस तैयार हैं। उसमें किसी भी तरीके की रसद की या हथियारों की कमी नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये संदेश सिर्फ हमास के लड़ाकों को नहीं है, बल्कि सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सबको एक बड़ा संदेश अमेरिका इस मदद के जरिए दे रहा है।